भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का जो सारे फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं, उन सारे फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस एशिया कप में एक बार फिर से हमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलरेडी इस एशिया कप के टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान हमें 3 बार ही आमने सामने नजर आ चुके हैं। एक बार लीग स्टेज का जब मुकाबला हुआ 2 सितंबर को, तब सुपर फोर का मुकाबला जब 10 सितंबर को हुआ तब, लेकिन तब जब बारिश की वजह से मैच कैंसिल होकर अगले दिन रिजर्व डे पे शिफ्ट हो गया, तो 11 तारीख को फिर से हमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने नजर आए थे। तो वही अब खबर आ रही है कि चौथी बार भी इस एशिया कप के टूर्नामेंट में हमें भारत और पाकिस्तान नजर आ सकते हैं, लेकिन इस बार अब भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो हमें 17 सितंबर को जो फाइनल होगा उसमें नजर आ सकता है। अब ये दोनों ही टीमें फाइनल्स तक कैसे पहुंच सकती है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। सुपर फोर के लिए 4 टीमें जो क्वालिफाई करती वो थी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर में एक बड़ी जीत अपने नाम दर्ज कर चुकी है, 228 रनों की जीत दर्ज करी। तो वही नंबर 1 पर इस समय भारत आ चुके हैं क्योंकि नेट रन रेट भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है। वही पाकिस्तान की बात करें, भारत के खिलाफ तो वह हार गई, लेकिन एक जो मुकाबला उनका सुपर फोर में हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ उसमें जीती थी, 2 पॉइंट्स उनके पास है और 3रे नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है। वही अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका अभी तक जो उनका मुकाबला हुआ था यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ वो मुकाबला जीत चुकी है और उनका नेट रन रेट उनका अच्छा है, इस वजह से श्रीलंका 2रे नंबर पर मौजूद है। बांग्लादेश की बात करें वहीं पे, तो बांग्लादेश के 2 मुकाबले हो चुके हैं, जहाँ पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुआ वहाँ पे भी उन्हें हार मिली, तो श्रीलंका के खिलाफ हुआ वहाँ भी उन्हें हार मिली, दोनों मुकाबले अपने हार चुकी है। आखिरी मुकाबला बचा है जो कि भारत के खिलाफ होने वाला है। ऐसे में बांग्लादेश अब फाइनल तक तो नहीं पहुँच सकती, वो तो इस रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन जो रेस में है वो है इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। अब इन तीनों की बात करें तो अभी भारत और श्रीलंका का मुकाबला होना है जो कि 12 सितंबर को यानी आज मुकाबला होना है। इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम श्रीलंका को हरा देती है, जो कि ज़्यादा लग भी रहा है कि भारत हरा देगी क्योंकि इस समय काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है जिससे उन्होंने पाकिस्तान को हराया, ऐसे में अगर भारत जीत जाती है श्रीलंका के खिलाफ तो सीधा सीधा वो फाइनल में पहुँच जाएगी। वही अगर बात करें अब श्रीलंका की और बचे हमें पाकिस्तान, ये दोनों टीमों का फिर एक मुकाबला बचेगा जो कि 14 सितंबर को होने वाला है इन दोनों टीमों के बीच में ही। ये मुकाबला दोनों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी और भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। लेकिन यहाँ पे अब तीसरा केस है, यहाँ पे तीसरा केस ये कि बारिश, अगर इस मुकाबले में बारिश हो जाए, जो कि चांसेस नज़र आ रही है कि कोलंबो का जिस तरह का वेदर चल रहा है, अगर इस मुकाबले में बारिश होती है और ये मुकाबला रद्द होता है तो दोनों ही टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और ऐसे में फिर केस आएगा नेट रन रेट का, और नेट रन रेट में पाकिस्तान मात खा जाएगी और श्रीलंका फिर क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए और भारत के खिलाफ फिर फाइनल में हमें श्रीलंका नजर आएगी, क्योंकि अभी इस समय जो पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका आगे चल रही है नेट रन रेट के मामले में। यहाँ पे श्रीलंका के भी 2 पॉइंट है, पाकिस्तान के भी 2 पॉइंट है और इंडिया के भी 2 पॉइंट है। बांग्लादेश अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। भारत का नेट रन रेट ज़्यादा अच्छा है, इसलिए 1 पे है, फिर श्रीलंका का अच्छा है 2रे नंबर पे, उसके बाद पाकिस्तान नेगेटिव में आ चुका है इसलिए वो 3रे नंबर पर है। ऐसे में अगर मुकाबला रद्द होता है, 1-1 पॉइंट मिलता है, तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए, लेकिन अगर इस मुकाबले में पाकिस्तान को प्रे करना पड़ेगा कि बारिश ना हो और ये मुकाबले में पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ हार गई लेकिन अच्छी फॉर्म में चल रही है और श्रीलंका से मजबूत टीम मानी जा रही है, ऐसे में हमें फाइनल भारत और पाकिस्तान का देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि फाइनल में भारत के खिलाफ कौन सी टीम खेल सकती है, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान, मुझे फटाफट से कमेंट जरूर बताइए। आप देखिए तो फैन सपोर्ट, इसको लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।